तो दोस्तों, वैक्सीन की सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले cowin.gov.in या कोविन की एक साइट है, इसको आपको क्रोम ब्राउज़र में या फिर कोई भी ब्राउज़र में आपको ओपन कर लेना है। ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट और बुक ए स्लॉट, ये दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट चाहिए, उस ऑप्शन का आपको क्लिक करना होगा। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल नंबर रहना ज़रूरी है, जिससे आप जिस नंबर को आपने आधार कार्ड के साथ लिंक कराया है और आधार कार्ड लगता है वैक्सीन लगाने के लिए, वो आपको इस पोर्शन में आपको नंबर डाल देना है। उसके बाद एक OTP जेनरेट हो जाएगा, तो OTP आने के लिए 180 सेकंड लगता है, जैसे कि 3 मिनट। अगर आपको 3 मिनट में नहीं आया, उसके बाद भी 3 मिनट होने के बाद ही आपको रीअप्लाई करना होगा, उससे पहले मत कीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सर्वर बहुत बिजी रहता है, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो जो OTP आपको मिल जाएगा आपको नंबर में, उसको आपको डाल देना है और वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जो कि आपके नंबर से लिंक किया गया है, जो कि आधार कार्ड में भी लिंक किया गया है। तो उसके बाद सर्टिफिकेट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दबा देना है, तो डाउनलोड सर्टिफिकेट वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप डाउनलोड क्लिक कर दीजिए तो ईजिली ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। उसका एक प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, अपने पास रख लीजिए। फर्स्ट डोज का भी आप रख सकते हैं, लेकिन जो सेकेंड डोज का फाइनल सर्टिफिकेट होगा वही सब जगह पर एप्लीकेबल होगा। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करके रखिए।